नमस्कार दर्शकों, बीसीआर न्यूज में आपका स्वागत है। जी हाँ, आज हम मौजूद हैं एशियन आर्ट एंड कल्चरल सोसाइटी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय एकता पुरस्कार समारोह 2015 एवं म्यूजिकल नाइट्स में। जी हाँ, तो चलिए आपको भी लेकर चलते हैं और मजा लेते हैं इस म्यूजिकल नाइट का। Thank you.
जी हाँ दोस्तों, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं और हमारे बीच पहुंच चुके हैं इस शो के मुख्य अतिथि श्री राम जेठ मलानी। मैंने आपसे दरखास्त की थी जोरदार तालियां बाबू जी देखिए इस मिनट के अंदर अभी सीधा ये बाबूजी की मोहब्बत है कि बाबूजी इलेक्शन कैंपेन में बिहार गए थे सीधा फ्लाइट लेकर अभी सीधा फ्लाइट लेकर यहाँ तशरीफ ला रहे हैं और मैं दरख्वास्त करूंगा कि सबसे पहले आज की इस खूबसूरत शाम के हमारे चीफ गेस्ट जहाँ राम जेठ मलानी साहब का मिर्जा प्रताप बेग फूलों से इस्तकबाल करेंगे। मिर्जा प्रताप बेग साहब तमाम एशियन आर्ट्स एंड कल्चर सोसाइटी के तमाम ऑडियंस की तरफ से, तमाम हिंदुस्तानियों की तरफ से हमारे बाबूजी के इस्तकबाल करेंगे। ये खूबसूरत से फूल हमारे जज्बात नहीं बोल सकते लेकिन हमारे खूबसूरत और नाजुक जज्बात की इक्कासी करते हैं। जोरदार तालियां। अब मैं अहमद फराज के दो मिसल मुझे याद आ रहे हैं, सुना है जब वो बोलते हैं तो फूल बरसते हैं उसकी बातों से, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। मिस्टर राम जेठ मलानी स्टेज पे आदमी सब कलाकार है और मेरे सामने बैठे हुए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, मैं आपसे कोई लंबा चौड़ा भाषण करने के लिए नहीं आया हूँ। बस मेरे जिंदगी की कुछ बातें आपसे बांटना चाहता हूं। मेरा जन्म सिंध में हुआ। सिंध देश में मुस्लिम्स वर इन द मेजॉरिटी ऑफ नियरली 80%। I was a minority member of the minority movement. मगर दोस्तों, हमने इस्लाम और हिंदुइज्म का एक ऐसी यूनिटी बनाया था
कि जब भी मैं बच्चा था तभी मेरे को नए कपड़े ईद के दिन मिले और मुसलमान जो बच्चे थे उनको नए कपड़े दीपावली के दिन मिले। जब भी हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ सारे हिंदुस्तान में खून की नदियां बह गई मगर सिंध के अंदर एक भी हिंदू को किसी मुसलमान भाई ने कत्ल नहीं किया। मुझे जब सिंध छोड़ना पड़ा मैं एक एडवोकेट पार्टनरशिप में पार्टनर था, दो पार्टनर थे उसमें, एक था अलाबख्श गोई दूसरा था राम जेठमलानी। पीतम्बर काले जी जो कि एक बहुत मशहूर डायरेक्टर है मराठी सिनेमा के, तो बिग क्लैप के साथ फ्रॉम बिग प्लेजर प्लीज वेलकम ऑन स्टेज मिस्टर पीतम्बर काले जी। आप मराठी फिल्मों के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, ये सितम का दौर है। सितम के दौर में वो अहले दिली काम आए, जबा पे नाज था जिनको वो बेजबा है। सच बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है, उनके लिए कोई भी सैक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं है। मैं समझता हूँ कि इसी इंस्टीट्यूशन में ऐसे बहादुर पैदा हो गए जो सच बोलेंगे, सच बोलेंगे, सच के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारी बेहद खुशनसीबी है कि हमारे दरमियान हमारे देश की वो मौजूद हस्ती आली जनाब हमारे सामने तशरीफ रखते हैं, जनाब आली राम जेठमलानी साहब। हमारी आज की शाम में बेहद खुशनसीबी है कि वो यहाँ मौजूद हैं और हम सब कलाकारों को अपना आशीर्वाद देंगे। मैं उनके लिए पहले एक शेर अर्ज करता हूँ गजल से पहले, तवज्जो चाहूँगा सभी की और सर आपसे के गुलशन की बहारों पे सरे शाम लिखा है, गुलशन की बहारों पे सरे शाम लिखा है, फिर हमने गुलाबों से तेरा नाम लिखा है, फिर हमने गुलाबों से तेरा नाम लिखा है, और पानी पे है बहते हुए तारों के सितारे, शायद मिर्जा जी ने आपके नाम पे नाम लिखा है। तो आज करता हूँ गजल के दो शेर खास तौर पे आपके लिए। आ जाना।
एक हसीनों का दीदार होता है उसमें से उम्र कम होती है। दूसरा मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ, पीपल थिंक दैट आई एम अ लॉयर बट आई बिलीव इन एजुकेटिंग द यंग। जब भी मैं नौजवानों और नौजवान लड़कियों के बीच में हूँ जिसको मैं पढ़ाता हूँ जाके, एवरी टाइम आई मीट देम मैं 5 बरस मेरी उम्र कम होगी। बीसीआर न्यूज के लिए अजय शास्त्री के साथ आफा खान समीर, दिल्ली।